मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी की स्थिति कमजोर है। इसके चलते ही बीजेपी ने चुनाव ऐलान से करीब 2.5 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके बढ़त बना ली है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी शीर्ष नेताओं ने सीट के जातीय और सियासी समीकरण को साधने की कवायद की है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी की ये बदली हुई रणनीति क्या मध्य प्रदेश में रिपीट और छत्तीसगढ़ में वापसी करा पाएगी। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का सेंधमारी प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने 39 सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। ये 39 सीटें वो हैं जहां पर पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इन सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बीजेपी के लिए ये सीटें कमजोर मानी जा रही थी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ने पहली बार चुनाव से 2.5 महीने पहले उम्मीदवार उतार कर बड़ा सियासी दांव चला है, ताकि कांग्रेस के मजबूत दुर्ग में सेंधमारी की जा सके। कांग्रेस के कब्जे वाली इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। जातीय समीकरण साधने की कवायद। बीजेपी ने उम्मीदवारों के जरिए मध्य प्रदेश के जातीय समीकरण को साधी रखने की कवायद की है। बीजेपी के 39 सीटों के टिकटों के फहरिश्त को देखते हुए 13 अनुसूचित जनजाति, 8 दलित, 13 ओबीसी और 5 टिकट सामान्य वर्ग के उम्मीदवार उतरे हैं। एमपी में सबसे ज्यादा ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स हैं, जिनका पूरा ख्याल रखा है। मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी मतदाता हैं, जबकि आदिवासी 21% हैं और 16% दलित हैं। टिकटों का वितरण देखे तो 39 सीटों के लिहाज से ओबीसी और आदिवासी समुदाय के 33% टिकट दिए गए हैं। दलित समुदाय के 20% और सामान्य जाति के 13% उम्मीदवार उतरे हैं। वहीं बीजेपी ने 5 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बीजेपी ने भले ही मध्य प्रदेश में एससी और एसटी समुदाय के लोगों को सिर्फ रिजर्व सीट पर ही उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन पार्टी का फोकस ओबीसी और एसटी वोटों पर है। वही शिवराज सिंह चौहान से लेकर अमित शाह और पीएम मोदी तक ओबीसी और एससी एसटी समुदाय को भी साधने की कवायद में जुट चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को आदिवासी और दलित सीटों पर करारी मात खानी पड़ी थी, जिसके चलते पार्टी इस बार कोई सियासी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। हारे मोहरों से बाजी जीतने का प्लान। सिंधिया के साथ हो गया सियासी खेल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पार्टी ने क्या खेल कर दिया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक एंदल सिंह कसाना पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, लेकिन गोहदा सीट से विधायक रहे रणवीर जाटवा को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। वही रणवीर जाटवा भी सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामे थे। बीजेपी ने जाटवा की जगह लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। सिंधिया के करीबी जाटवा की तरह कसाना भी 2020 के उपचुनाव में करारी मात खानी पड़ी थी। सिंधिया के साथ बीजेपी में आए तमाम नेता घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में जाटव का टिकट करने से सिंधिया खेमे में तगड़ा झटका लगा है।